सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद शोभिक चैनल को और सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल जहां पे फिर से एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूँ इंडियन ऑयल की तरफ से। रिसेंटली जो है इंडियन ऑयल एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट एंड जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर डिपार्टमेंट मैकेनिकल फिटर कम रीगा जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड और भी बहुत सारे। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सारे जानकारी जो है प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आप इंडियन ऑयल में कॉर्पोरेशन में काम करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो जहाँ पे आप लोगों को सारे जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। एंड एप्लीकेशन किस तरह से करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, तो सब कुछ आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा। तो पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे इस चैनल को, और भी कुछ जानकारी के लिए कमेंट करना मत भूलिए, जिस कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन जो कि आज ही जारी कर दिया गया और आज ही से जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। 12 अक्टूबर 2020 से शुरू होगा एंड 7 नवंबर 2020 तक इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो चलेगा, मतलब ये प्रोसेस जो है चलेगा। इसके साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ जो सैलरी यहाँ पे ऑनलाइन के साथ साथ यहाँ पे जो पोस्ट दिया गया उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल जो पोस्ट यहाँ पे आया है यहाँ पे 57 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हुआ है। तो 57 पोस्ट के अंदर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर प्रोडक्शन के पोस्ट निकल, जिसके अंदर 49 वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर मैकेनिकल फिटर काम रीगा जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अंदर 3 वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर इंस्ट्रूमेंटल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के अंदर 4 वैकेंसीज है एंड जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट के अंदर 1 वैकेंसीज निकला हुआ है। तो टोटल जो है 57 वैकेंसीज इस पर निकला हुआ है। इसके साथ साथ क्या और डिटेल्स दिया गया आप लोगों को बता देता हूँ। इन सारे पोस्ट के लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है उसके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर के लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, यहाँ पे आप लोगों को 3 इयर्स के डिप्लोमा केमिकल एंड रिफाइनरिंग पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और बीएससी मैथ फिजिक केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज विथ 50% मार्क्स लेके आपको जो है यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके बाद जो बता दिया जा रहा है जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल फिटर कम टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए, यहाँ पे आपको मैकेनिकल के अंदर 3 इयर्स के जो है डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास ए ग्रेड होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो, चाहे आप एससी एसटी ओबीसी हो, तो उनके लिए आपको 45% मार्क्स तक यहाँ पे आपको कट कर दिया जाएगा। जूनियर इंजीनियरिंग जूनियर टेक्निकल के पोस्ट अगर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अगर आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो, यहाँ पे भी आपको 3 इयर्स के डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन के कोर्स होना चाहिए, जिसके अंदर आपको 50% मार्क्स भी यहाँ पे आपको होना चाहिए आपके पास, देन आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके बाद जो जूनियर क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट के लिए पोस्ट यहाँ पे निकला, एनालिस्ट के पोस्ट निकला हुआ है, जिसके अंदर बीएससी विद फिजिक केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसके बाद ही आप लोग यहाँ पे 50% मार्क्स लेके एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये था एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके साथ साथ और क्या डिटेल्स दिया गया जिसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँगा इन सारे पोस्ट के लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे कि आप लोग देख सकते हो 12th विद साइंस ग्रुप में होना चाहिए, जिसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एज लिमिट के बात करें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया जा गया है 18 से 26 ईयर तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो यहाँ पे, और एज रिडक्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑनलाइन के एप्लीकेशन के जो लिंक है बा आईओसीएल के जो ऑफिशियल लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस व सिलेक्शन मेथोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम से साथ साथ आपको इंटरव्यू भी यहाँ पे होगा एंड शॉर्ट लिस्ट के भी यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको जो
शॉर्ट लिस्ट के आपका नाम भी आएगा, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे जो है चांस पा सकते हो। मेडिकल एंड फिजिकल टेस्ट भी होगा यहाँ पे जो बता दिया जा रहा है। तो इसके बाद जो आप लोग जैसे कि देख सकते हो 12 अक्टूबर से शुरू होने वाला है एप्लीकेशन एंड 7 सितंबर 2020 तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हो ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एंड एप्लीकेशन करने के लिए जो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे मांग रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स आप लोगों को दे देता हूँ, एंड देन आप लोग वहाँ से आप लोगों को सारे जानकारी जो है मिल जाएगा। तो दोस्तों जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी मौका दिया जा रहा है कि 12 पास होकर आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोग अगर आप चाहते हो तो अभी क्या अभी एप्लीकेशन कर सकते हो, जो कि ऑनलाइन में एप्लीकेशन शुरू हो गया है। एप्लीकेशन करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि आपको 12 पास सर्टिफिकेट और ऑल जे डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट, पास का सर्टिफिकेट एंड इसके साथ साथ एज प्रूफ आपको लगेगा, जिसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। चलिए आप लोगों को बता देता हूँ सैलरी कितना रहेगा यहाँ पे, जिसके बाद ही आप यहाँ पे आप लोगों को जो सैलरी जो दिया जाएगा इस पोस्ट के लिए मिनिमम जो है 25,000 से 1,05,000 तक आपका सैलरी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग सब कुछ देख लिया है, आप लोगों को और भी कुछ जानकारी अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इंडियन ऑयल के ऑफिशियल वेबसाइट से, आप लोग वहां पे जाके भी चेक कर सकते हो पूरा और भी डिटेल से। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करना मत भूलिए। इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।